आज खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट से कराने जा रहे हैं जिनका मानना है अगर पेंटिंग को आप एक डायरी की तरह देखें तो उसमें वो लम्हे दिखाई देंगे जिससे आप सपनों में संजोते रहे हैं। पेंटिंग आपकी समग्र चेतना, सोच और जीवन दर्शन का परिणाम होती है। कला भवन शांति निकेतन की उपज और एक सशक्त कलाकार आप हैं। जी हाँ, हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात की आज की खास मेहमान हैं मशहूर व मारूफ पेंटर कविता नैयर। कविता जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कविता जी। आप का जब ये सीवी पे नज़र डालते हैं तो इसमें लगता है कि कला की कोई ऐसी विधा नहीं जो आपने छोड़ी हो। I grapple with powerful expressions through my paintings and dancing. The anguish rushes out onto the canvas through tips of my fingers, on the floor as Kathakali dance, through my entire body. If a dance form comes closest to the world of colors, it is indeed Kathakali. आपकी कला के बारे में और आपके रंगों के सफ़र
में हम आपके साथ निकलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप हमें अपने पारिवारिक परिवेश के बारे में बताएं कि आपकी फैमिली में भी आर्ट का माहौल था या आप पहली आर्टिस्ट हैं फैमिली में। फ्रैंकली स्पीकिंग कि परिवार में कोई आर्टिस्ट तो नहीं था और अभी भी कोई है नहीं, लेकिन क्योंकि मैं हो सकता है कलकत्ते के माहौल में पली बड़ी, बंगाल के माहौल में पली बड़ी, तो उससे हो सकता है कि कला का कहीं ना कहीं रुझान आ ही गया, क्योंकि बचपन से मैं डांस करती थी और नृत्य की शिक्षा लेते लेते लगा कि कला भी एक, पेंटिंग करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें भी एक कैनवस होता है, सामने ईजल पड़ा होता है, तो वो सब जब चीज़ें जब सामने आती थी तो देखना लगता था कि हम भी आर्टिस्ट बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं होता है कि पेरेंट्स भी कहीं आपको इंस्पायर करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भाई आप आर्ट करो तो अच्छा ही रहेगा, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि आर्टिस्ट बन सकती हूँ। अभी आपने कहा कि आपने नृत्य में शिक्षा ली और फिर आपको लगा कि आप साथ साथ आर्ट भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत थी कि आपकी जो विधिवत आपने शिक्षा प्राप्त की कला भवन शांति निकेतन से। जी हाँ। शांति निकेतन ने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा किए। शांति निकेतन के दिनों के कुछ अनुभव हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें। सबसे बड़ा अनुभव तो ये है कि वहाँ का जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है वो कभी भूलता नहीं है, कि हर शाम हम जाके किसी भी प्रोफेसर के घर जाके आराम से बैठ के उनके घर में जाके म्यूज़िक सुन सकते थे, उनसे कला के ऊपर चर्चा कर सकते थे, जो आज के दिन में कहीं मुझे नहीं लगता शहर, बड़े शहरों में वो दिखता हो। हो सकता है बड़ौदा भी छोटी जगह है तो हो सकता है वहाँ हो, लेकिन वहाँ पर भी इतना छोटा नहीं है जैसे शांति निकेतन में। बहुत ही पर्सनल माहौल मिला हमें, हमें टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कोई ऐसे टीचर जिनका आप पे बहुत हो रहा हो, जिनके आप बहुत करीब रही हो, जिनसे आपने पेंटिंग के बारे में खास टिप्स लिए हो, कोई ऐसे? हाँ, एक है हमारे शनतकार करके, प्रोफेसर शनतकार जी बहुत मशहूर। हाँ जी, उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक तालमेल था और उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर भी किया, इन द सेंस कि मुझे किताबें ला के देते थे, जैसे रोमा रोला की एक किताब लेकर आए और मुझे कहा, वो 1000 पेज की किताब थी जो मुझे अभी भी याद है, मैं वो पढ़ी वो बैठ के, और वो पूरी किताब ही चिथड़ों में थी। जॉन क्रिस्टोफ के जिक्र। हाँ जी, जॉन क्रिस्टोफ, दैट्स राइट। सो वही, तो वो सब जो टीचर बताते हैं और इंस्पायर करते हैं, तो वहाँ पर लगता है कि यहाँ पे आप में भी कुछ करने की क्षमता है। कविता, हम आपके जब पेंटिंग्स पे नज़र डालते हैं तो आपके जो रंग हैं बहुत चटकीले और शोक हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में जो पेंटिंग है उसमें लाल रंग बहुत प्रोमिनेंट है, क्या इसकी कोई खास वजह है या ये किसी ऐसे मूड से आप गुजर रही थी कि आपने रेड कलर इस्तेमाल किया, या इसके अलावा आपके फेवरेट कलर कौन से हैं पेंटिंग के? एक्चुअली रेड तो मेरा सबसे फेवरेट है और मैंने अपने कामों में रेड काफ़ी यूज़ किया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिंबल ऑफ फर्टिलिटी भी है, पैशन है, लव है जो मेरे में बहुत भरपूर है, आई थिंक जो मैं बहुत देना चाहती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि लाल मेरे लिए एक बहुत फेवरेट कलर रहा है लाल। और अभी रिसेंटली कुछ कामों में मेरे पिंक भी आए, जो पिंक कलर मेरे ना मैं कभी कपड़ा पहनती थी ना कभी मैंने पेंटिंग्स में यूज़ किया था, बट लेकिन वो पिंक एक ऐसा मासूम कलर लगा कि जहाँ पे मुझे लगा कि मैं उसको एक इनोसेंस के हिसाब से यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज बहुत कामों में आप देखोगे कि लोटस भी आया है, कमल का फूल आया है, तो उसकी जो एक प्योरिटी है, इनोसेंस है, सो वो सब कुछ करते करते पिंक भी मेरे कामों में बहुत आ गया। कविता जी, आपने दो रंगों का हमें अभी बताया कि रेड इज़ फॉर पैशन एंड लव, और दूसरा आपने कहा कि पिंक, और आपने कमल का एग्जाम्पल दिया, लेकिन कमल के कई रंग हम देखते हैं। बिल्कुल। कविता, आपकी पेंटिंग से कुछ और रंगों की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले आपने बताया कि किस तरह आपने लाल और पिंक रंग चुना, इसके अलावा कुछ और, जैसे कमल की आप बात कर रही थी, तो कमल के तो इतने शेड्स हैं। बिल्कुल। ब्लू है, व्हाइट है, लिली व्हाइट जैसे कहते हैं, उसके अलावा पिंक में भी कई शेड्स हैं, रेड है। बिल्कुल। तो ये इसके पीछे लोटस की भी कोई फिलॉसफी है पेंटिंग में? लोटस की मेरे लिए जो फिलॉसफी रही स्पेशली, क्योंकि मैंने सीड्स करके एक अपना टाइटल चुना अपने कामों के लिए, तो उसमें था कि बर्थ एंड रीबर्थ को मैंने दर्शाया अपने कामों के थ्रू,
तो उसमें ये था कि लोटस जो है वो बर्थ और रीबर्थ का ही सिंबल है, और उसमें जो एक इनोसेंस है और प्लस प्योरिटी है, और प्लस एक ये है कि इतना सॉफ्ट होते हुए भी कीचड़ में होता है, तो कीचड़ में होने के बावजूद भी उसमें कितनी सुंदरता है। इसीलिए कहते हैं कि प्योरिटी का जो एग्जांपल देते हैं कि वो कीचड़ में रहने के बाद भी प्योर है, कितना प्योर है। कविता, आप ने ग्लोब ट्रॉटिंग की, आप इतने विदेश यात्राएं आपने की और आपने इतनी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज किए, आपने ग्राफिक्स में, एक आपने सेरीग्राफी में किया, ये सेरीग्राफी क्या है? हम चाहेंगे कि थोड़ा सा दर्शकों को आप आम भाषा में बताइए कि ये सेरीग्राफी क्या है। एक्चुअली सेरीग्राफी सिंपल भाषा में कहें तो सिल्क स्क्रीन प्रिंट है, दैट इज स्क्रीन जो होता है वो सिल्क का होता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं और उसके थ्रू प्रिंट निकालते हैं पेपर के ऊपर। सो सिल्क स्क्रीन प्रिंट आप देखोगे तो आपके जो विजिटिंग कार्ड्स हैं उस पर भी होता है, और शादियों कार्ड्स में भी होता है, इवन साड़ियों में भी, इवन कपड़ों में भी सिल्क स्क्रीन होता है। तो इस तरह से वो सिंपल भाषा में सेरीग्राफी जो है, सेरी इज सिल्क एंड ग्राफी इज प्रिंट बेसिकली। आपको ललित कला एकेडमी की से फेलोशिप भी मिली, आपने और भी कई फेलोशिप ICCR की ये, और इसी वजह से आपने बहुत ट्रैवल भी किया। आपको विदेशों की जब आप आर्ट देखती हैं, वहाँ पर जाहिर है कि आपने ग्रेट मास्टर्स का काम देखा होगा, तो अगर हम थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करें तो वहाँ कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने आपको बड़ा फैसिनेट किया? वहाँ जब मैं पहली बार पेरिस गई थी तो बोनार्ड करके एक हैं, बोनार्ड के काम जब मैंने उनके ओरिजिनल में देखे, और मोने के काम जो वाटर लिलीज बनाते हैं, एडवर्ड मोने जो हैं, तो उनके काम देखे तो वो उनके रंगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और मुझे लगा कि उस तरह के रंग मैं क्यों नहीं अपने कामों में यूज़ कर सकती हूँ। तो वहाँ से मेरे रंग भी काफ़ी पेस्टल शेड्स में आए, तो वहाँ से एक प्रभाव तो ज़रूर आया। फिर ऑफ कोर्स जब बड़े बड़े म्यूजियम्स में जाते हैं, लूवर में जाते हैं, तो डेलाक्रुआ का काम देखा, गैरी कॉल्ट का काम देखा, फिर मोनालिसा तो है ही, तो वो तो मतलब जैसे ये देखते हैं तो लगता है वो डेजा व्यू है, देखा हुआ है, कितनी जैसे ताजमहल हम देखते हैं तो कितनी बार जगह देखा होता है, क्योंकि वो हम उसको आम देखते रहते हैं, उसमें देखते हैं कई शेड उसके देखते हैं। लेकिन मोनालिसा की मैं भी वहाँ गया, तो लेकिन वहाँ एक आप इसमें कोई शक नहीं कि देयर इज इट्स ऑसम, आप उसके सामने खड़े हैं, लेकिन वो पेंटिंग इतनी छोटी है, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग इन फैक्ट। आपको आपके ज़हन में जब मोनालिसा की बात करते हैं तो लगता है एक ह्यूज पोर्ट्रेट हो, लेकिन वो एक फ्रेम में फोटो है उसको, और लोग बेताशा उसकी आगे तस्वीरें ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक थोड़ी सी मिक्स्ड एक फीलिंग होती है, बिल्कुल बहुत मिक्स्ड फीलिंग लगता है कि यार यू आर डिसअपॉइंटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लाइक जैसे पिकासो का काम जब देखा, गुर्निका वो स्पेन में जब देखा, तो मुझे ख्याल था कि बहुत बड़ा काम होगा, विशाल एक काम होगा, लेकिन था 5 फुट 6 फुट का, यू नो, लगा कि इतना बड़ा काम नहीं है जितना सोचने में लगता है, बिकॉज एक बड़ी अलग सी फीलिंग आती है जब उस काम को देखते हैं, लेकिन उसका जब स्केल देखा तो लगा रही और भी बड़ा हो सकता था। खैर ये तो आर्टिस्ट का अपना परसेप्शन है, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि इतनी चर्चा हुई है, मेरे ख्याल में कोई भी उसको पेंटिंग पे, तो अब आज तक उस पर काम किया जा रहा है, उसकी जो उसके पीछे उसकी भावना थी या वॉर को। बिल्कुल बिल्कुल। कविता, आपका काम जो है दुनिया के तमाम जगह बड़ी मशहूर गैलरीज में है और वहाँ पर म्यूजियम्स में है, एक इंडियन के नाते जब आपका काम इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो वो एक बड़ी आपके लिए अचीवमेंट भी होती है और बड़ी आपको फीलिंग होती है। आपकी पर्सनल फीलिंग जब आपने अपना ही काम वहाँ देखा तो कैसा लगा आपको? मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब मेरा काम PM हाउस में देखती हूँ मैं अपना काम, जब वो प्राइम मिनिस्टर सामने बैठे होते हैं, उनके पीछे एक स्पाइरल जब काम दिखता है, और वो जब TV पे आता है, फिर लोग फ़ोन करते हैं, अरे कविता तुमने अपना काम देखा कि नहीं, वहाँ बहुत मज़ा आता है। बाहर जाके तो ठीक है, वहाँ पर तो फिर भी तुम अननोन हो, यहाँ पर तो एटलीस्ट तुम्हारे दोस्त देख रहे हैं, तो एक अलग सी फीलिंग आती है, एक अलग सा हाई आता है उसमें। कविता, आपके एक और शख्सियत के पहलू के बारे में बात करेंगे, फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में, अभी रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले आप बता रहे थे कि जो PM हाउस में आपका काम है उसको देख के आपको बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन ये आपके CV में निफ्ट का एक जिक्र है, जी है। तो निफ्ट, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग आजकल बहुत पॉपुलर है और आई थिंक इट्स रेज दीज डेज, तो इससे आप कैसे जुड़ी?
इससे तो देखा जाए तो फैशन टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी तो कहते हैं, लेकिन जहाँ पे बात होती है कि आप कला की तरफ किस तरह से सेंसिटिव होते हैं, तो हम आर्टिस्ट वहाँ पर आते हैं। जब उनका फाउंडेशन कोर्स होता है तो हमें, जैसे मुझे बुलाया गया कि आप फाउंडेशन कोर्स में आर्ट अप्रिसिएशन का कोर्स करिए और इनको बताइए कि क्या क्या हो सकता है आर्ट में, क्योंकि आर्ट से ही फैशन रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है इफ़ यू सी। तो हर आर्टिस्ट को या हर बंदे को जो क्रिएटिव फील्ड में है उसको आर्ट की जानकारी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ कि जो फैशन शोज़ होते हैं उसमें जो रैंप पे लोग कपड़े पहन के आते हैं, वो हमने आज तक कभी सड़कों पे नहीं देखे। वो क्या है? वो एक ब्रांड का वो है या एक वो के जो टेक्सचर है या क्लॉथ जो यूज कर रहे हैं, देखा जाए तो क्रिएटिविटी है। तो वो फैशन में कहाँ तक, किस हद तक वो क्रिएटिव हो सकते हैं? जैसे एक आंख में काजल लगाया, दूसरे आंख में काजल नहीं लगाया, शूज हैं तो इतने, तो वही, तो कहाँ तक वो लोग किस हद तक जा सकते हैं क्रिएटिविटी? जब हैट पहनते तो इतना बड़ा हैट पहन लेते हैं, तो वो हाइट ऑफ क्रिएटिविटी तक जाने की कोशिश करते हैं बेसिकली। अच्छा कहा आपने कि हाइट ऑफ क्रिएटिविटी, लेकिन आप बहुत सी संस्थाओं की जूरी मेंबर भी रही हैं, तो ये आपका अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज जूरी मेंबर के साथ साथ देखा जाए तो सच बताऊं, राज की बात है कि खुद भी बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि जब तुम बच्चों के काम देखते हो, स्टूडेंट्स के काम देखते हो, तो मुझे लगता है अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है उस ज्यूरी मेंबरशिप में, ये राज की बात है। एक बिल्कुल जाती सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और हिम्मत जुटा रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया जब आप एक पर्सनल ट्रेजिडी आपके साथ हुई और उसने आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। और आजकल आप एक एनजीओ चला रही हैं कला साक्षी के नाम से, ये एनजीओ कला साक्षी मेमोरियल ट्रस्ट, जी है, ये ट्रस्ट क्या है और ये एनजीओ बनाने का आपको ख्याल कैसे आया? ये बहुत ही अजीब सा किस्सा है कि बचपन से मैं जब 16-17 साल की थी तो मैं सोचती थी और काफ़ी भगवान से पूछती थी कि मैं इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में क्यों आई। तो वो जो एक खोज थी, मुझे लगा कि मैं हर समय सोचती थी कि मैं काम अपना कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, पेंटिंग करती हूँ, मुझे इतने सारे किताब मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी वो पीछे कहीं ना कहीं ये लगा रहता था कि मुझे यू नो व्हाई एम आई हियर, व्हाट एम आई डूइंग। तो वो एक फीलिंग, सोशल सर्विस की फीलिंग आई सपोज हरदम रही होगी, क्योंकि बचपन में जब हम 10th 11th में थे तो मैं मदर टेरेसा होम जाती थी कलकत्ता में, ऑर्फनेजेस को देख, ऑर्फनेज में जाके ऑर्फन से मिलती थी, उनसे बातचीत करती थी, उनके साथ खेलती थी। तो आई थिंक वहाँ पे मुझे हरदम लगता था जब बड़ी हुई कि मुझे एक ऑर्फनेज खोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए जिंदगी में, लेकिन कभी हुआ नहीं मौका। आई सपोज भगवान कुछ वेट कर रहा होगा। तो बीच में जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद ही इमिजिएटली आफ्टर दैट ओनली द नेक्स्ट डे ओनली हमें, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम एक स्कॉलरशिप देंगे हम स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट लेवल पे, ताकि उनका जो टैलेंट है कहीं खोए ना। कुछ कई स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन पास टैलेंट बहुत होता है लेकिन पैसों की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारा यही एक लक्ष्य रहा कि हमने दोनों ने बातचीत की तो कहा कि एक ट्रस्ट खोलते हैं, हमारे पास जितना पैसा हमने कहीं और लगाना था वो सारा हम पूंजी इस पे लगा देते हैं और इसको चलाते हैं और स्कॉलरशिप्स देते हैं। हमने 3 स्कॉलरशिप देनी शुरू की 2009 में, फिर उसके बाद हम पिछले साल से 5 दे रहे हैं, फिर हम उनको, उन स्टूडेंट्स को मेंटरिंग वर्कशॉप भी करते हैं, तो 5-6 दिन का हम लोग वर्कशॉप कला दीर्घा जिसको कहते हैं वो भी चलाते हैं। उसमें एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब हमारे पास 17
20 उन मतलब इतने सारे बच्चे हो गए हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअली दे आर ऑल यंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स. सो उस उनके साथ जब हमारे इंटरेक्शन होता है, उनको कुछ अच्छा मिलता है, तो हम इस लिटरली जैसे मदर फादर को फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले हमें फ़ोन लगाते हैं कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिली. तो उससे जो हमें यू कैन से सेटिस्फैक्शन मिलती है वो कुछ किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती. मतलब जो आपने सपना कलकत्ता में मदर टेरेसा के डेस्टिट्यूट होम्स में देखा, आपको लगता है कि कुछ हद तक वो हाँ मतलब किसी और दिशा में हुआ, लेकिन हुआ जरूर कुछ कहीं ना कहीं. मतलब वो जो अपने दिमाग में जो सोच थी कि मैं क्यों आई इस दुनिया में, तो लगता कहीं ना कहीं मैं पूरी कर रही हूँ उस चीज को. भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आप कोई नई एग्जीबिशन की तैयारी में हैं, या टीसी ट्रस्ट को आप आगे दोनों अभी दिल्ली से बाहर ले जाना चाहेंगी? या जी हाँ, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं. मैं तो कह रही हूँ कि साल के पूरा साल जब होता है तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक हम इसमें जुटे रहते हैं, लेकिन साथ साथ मेरा अपना काम भी होता रहता है. एज आई एम फ्रीलांस आर्टिस्ट, प्लस मैं अपने स्टूडियो में चाहती हूँ स्टूडेंट्स भी आके काम करें, तो मेरे स्टूडियो में स्टूडेंट्स भी आते हैं, काम करते हैं, और प्लस मैं पढ़ाती भी हूँ स्टूडेंट्स को. मैंने पहले भी पढ़ाया है, लेकिन अब मैं कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में ना जाके अपने स्टूडियो में ही पढ़ाती हूँ. तो अपना जो भी मैंने ज़िंदगी में लिया है, मैं वापस शेयर करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी. बहुत नेक ख्याल हैं आपके, और आप जो इस दिशा में काम कर रही हैं, हम चाहते हैं कि इसमें आपको और कामयाबी मिले. कविता, आप अपना कीमती वक्त निकाल के स्टूडियो में तशरीफ़ लाईं, और आपने हमें अपनी आर्ट के बारे में और NGO और मेमोरियल ट्रस्ट के बारे में जो बातें बताईं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ कार्यक्रम खास मुलाकात में.